धार जिले की पीथमपुर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। यहां कुल 31 वार्डों में से 17 पर कांग्रेस और 13 पर भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे हैं, वहीं एक वार्ड पर निर्दलीय जीत हासिल की है। पीथमपुर नगर पालिका परिषद चुनाव में परिणाम सोमवार को घोषित हो गए। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। कुल 9 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 निरस्त हुए, वहीं 6 में से 4 मत कांग्रेस को मिले व 2 बीजेपी को। पहले दौर की गणना के साथ ही कांग्रेस ने जीत का श्रीगणेश कर दिया। यहां कुल 31 वार्डों में से 17 पर कांग्रेस और 13 पर भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे, वहीं एक वार्ड पर निर्दलीय जीत हासिल की है। कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम ने बताया कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से हारी है। आज आपको कितने वोट मिले हैं? 592. कितने वोटों से हराया आपने अपने प्रतिद्वंदी को? 187 जी। कांग्रेस के प्रत्याशी, आपका नाम बताइए। विनोद सिंह चौहान। क्या आगे जनता के सामने और क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, जनता की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। छोटी से छोटी सुविधा हो, बड़ी से बड़ा काम हो, ये सारी जिनसे वंचित थी जनता, वो सारी चीजों का निराकरण किया जाएगा। बहुत, नाम बता दीजिए। विनोद सिंह चौहान, वार्ड क्रमांक 30 से कांग्रेस। बताइए भैया, पीथमपुर परिणाम जो आए हैं, कितनी सीटें कांग्रेस की है? ये जीत पीथमपुर के माताओं बहनों नागरिकों की जीत है, और भ्रष्टाचार के ऊपर ये जीत हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार चला 5 साल, जनता यहाँ की समझ चुकी, जनता ने देखा, उसको देख करके उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। और हमारे कांग्रेस स्टेट के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत, ताकत से और ईमानदारी से काम किया, उसका प्रतिफल हमको मिला कि हम यहाँ परिषद बनाए जा रहे हैं। कितनी सीटें आ रही है आपकी? 17 हमारी सीटें हैं। पूरे जिले में क्या स्थिति है? पूरे जिले में हम धामनो जीते हैं, धर्मपुरी जीते हैं, राजगढ़ जीते हैं, सरदारपुर जीते हैं, धार भी जीत रहे हैं, वो पीथमपुर जीत गए हैं, प्लस अपना कुक्षी और डही भी हम जीत रहे हैं। सिर्फ 9 में से हम मनावर हार रहे हैं केवल जी, बाकी 9 में से हम 8 सीट जीते हैं। तो इस बीजेपी की इस हार का क्या कारण मानते हैं? बीजेपी का हार का कारण, बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है जी। क्योंकि जितने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जो चल रहा है, ये जनता समझ चुकी है, और इसका फायदा हमको विधानसभा में मिलेगा और लोकसभा में मिलेगा। आपका नाम और आपका पद बताओ। बाल मुकुंद सिंह गौतम, एक्स एमएलए धार। बहरहाल विधानसभा चुनाव को मिली जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिल गई है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहते हैं। पीथमपुर से दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट।